इसके महत्व को जानने के बाद और ये समझने के बाद कि बिना न्यायपालिका किसी भी तरह की व्यवस्था की अपेक्षा करना, सुव्यवस्था की अपेक्षा करना गलत है। आधुनिक युग में न्यायपालिका का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आधुनिक युग लोकतांत्रिक युग है। लोकतांत्रिक युग में जो राज सत्ता है वह तानाशाही सत्ता जो है वो अब नहीं रही। उसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी एक संघात्मक व्यवस्था है जिसका हमने अध्ययन किया है, फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें एक से ज्यादा तरह की सरकारें रहती हैं। ऐसी स्थिति में जब एक से ज्यादा सरकारें हों तो शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकारों के बीच के मसलों को, सरकारों के बीच के विवादों को, उनके बीच की समस्याओं को, उस पर अपना अंतिम निर्णय देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है, उसका निराकरण करने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है। और इसलिए आधुनिक युग की संघवादी व्यवस्था में, संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का महत्व और बढ़ गया, अति बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों को अपनी सीमाओं के अंदर काम करना है। हमने जब व्यवस्था की बात की थी पिछले अध्याय में तो हमने बताया, समझा था कि कैसे केंद्र सरकार के लिए एक विषय सूची है जिसे हम संघ सूची कहते हैं, उसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार के लिए भी ऐसी विषय सूची है जिस पे राज्य की सरकारें ही कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा जब राज्य से संबंधित किसी विषय पर केंद्र ने कानून बना दिया हो बिना राज्य की अनुमति के, या केंद्र से संबंधित विषय पर राज्य ने कानून बना दिया हो या कानून बनाने की प्रक्रिया कर रहा हो। दूसरे शब्दों में, इन दोनों में से कोई यदि अपनी सीमाएं लांघ रहा हो तो उसे सीमाओं के अंदर रखने का कार्य, सुनिश्चित करने का कार्य न्यायपालिका का है। और इस प्रकार संघात्मक प्रणाली में, फेडरल स्ट्रक्चर में न्यायपालिका की महत्ता दुगनी हो जाती है, कई गुनी बढ़ जाती है। संघ और राज्य सरकारें, इनके बीच जो शक्ति विभाजन जो होता है, बंटवारा जो होता है क्षेत्रों का, भौगोलिक क्षेत्रों का नहीं, विषय क्षेत्रों का, तो इसके परिणाम स्वरूप कई बार क्षेत्राधिकार को लेकर संबंधित जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न पैदा कर देते हैं, जिनके उचित निराकरण के लिए जरूरी है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो। यदि इनके बीच की समस्या का निराकरण नहीं होगा तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच संवादहीनता हो बढ़ेगी, और बढ़ती संवादहीनता देश की एकता के लिए खतरा होगी। राज्यों को यदि यह महसूस होने लगा कि केंद्र सरकार उनके क्षेत्र में दखल कर रही है, और ऐसी अनुभूति यदि बढ़ती चली गई तो कई बार राज्य विवश होकर कुछ ऐसा कदम उठाने की तैयारी करने लगते हैं जो देश के लिए आत्मघाती होता। देश ऐसी स्थिति तक ना पहुँचे, खासकर संघात्मक व्यवस्था में, तो न्यायपालिका की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायपालिका आज व्यक्ति बनाम व्यक्ति, इनके बीच व्यक्ति बनाम राज्य, इनके बीच राज्य बनाम केंद्र, इनके बीच और राज्य बनाम राज्य, इनके बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का भी निर्णय करती है। राज्य बनाम राज्य,
दो राज्यों के बीच में भी कई बार तकरार होती है, खासकर पड़ोसी राज्यों के बीच में, या तो सीमाओं को लेकर, या पानी के बंटवारे को लेकर, या किसी तरह की हिंसात्मक गतिविधि जो सीमा क्षेत्र में हुई हो उसको लेकर। नदी जल का विवाद लेकर, जिस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, तो ऐसे कई मुद्दे रहते हैं जिसमें दो राज्य भी एक दूसरे से झगड़ा कर बैठते हैं और जो देश की एकता के लिए खतरा है। तो इन मसलों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका का बहुत महत्व है, और संविधान के रक्षक के रूप में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इसकी महत्ता कितनी है। लॉर्ड ब्राइस, जिनका जिक्र मैंने पूर्व में किया है, उन्होंने कहा है, यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो अंधेरा कितना होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो कितना अंधेरा होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये बताता है न्यायपालिका की महत्ता को। अब महत्ता को जानने के बाद अब हम समझें फंक्शंस को, इसके कार्य क्या, आखिर क्या काम करता है न्यायपालिका जो इतना महत्वपूर्ण है, कैसे करता है काम, क्या करता है, इसको लेकर ये चार पांच बिंदुओं को तो मैं बारंबार बता चुका हूं। अब इस पर थोड़ा सा हम और गहन तरीके से जाएं, और विषय होगा न्यायपालिका के कार्य या भूमिका, फंक्शंस और रोल ऑफ जुडिशियरी। कार्यों में सबसे पहला कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। एक कोर्ट के अंदर दो वकील जिरह करते हैं, और जिरह करने का मुद्दा जो अपराध से जुड़ा हुआ है वो तो है ही, उसके अलावा एक मुद्दा जो हमेशा उनके बीच में रहता है वह रहता है संविधान की पुस्तक में जो कानून संबंधी पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या अपने अपने तरीके से करना। और जब ये दोनों वकील अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं तो माननीय जज का, माननीय न्यायाधीश का अंतिम निर्णय होता है उसकी, उनके द्वारा की गई व्याख्या, उनके द्वारा की गई व्याख्या को ही अंतिम व्याख्या माना जाता है उस न्यायालय में। न्यायपालिका के मुख्य काम जिस प्रकार कानून की व्याख्या करना है, कानून की भाषा, उसको कितना भी हमारे संविधान निर्माताओं ने केयरफुली होकर लिखा हो, लेकिन कई बार बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, समय काल के कारण ये अस्पष्ट लगती है, कानून की भाषा जटिल लगती है और भ्रम पैदा करती है। इसकी जटिलता को सरल भाषा में, अस्पष्टता को स्पष्ट भाषा में व्याख्या करना और कानूनी संबंधी समस्त भ्रमों को दूर करने का काम न्यायाधीश करता है। इन व्याख्याओं से प्रायः कानून का अर्थ और प्रयोग, इसमें वृद्धि होती है, कानून का अर्थ स्पष्ट होता है। तो ये व्याख्या करने की भूमिका जो है न्यायालय की बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी महत्व, कानूनों का निर्माण करना। हमने बारंबार पढ़ा है कि कानून के निर्माण का काम विधायिका का है, और मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ न्यायपालिका का। तो क्या न्यायपालिका भी कानून का निर्माण करती है? बिल्कुल, ऐसी स्थितियाँ कई बार आती हैं जब वर्तमान जो कानून है उसमें कोई व्याख्या नहीं है, कानून संबंधी कार्य, कानून बनाने निर्माण संबंधी कार्य कब करने होते हैं? प्रायः
न्यायाधीशों के समक्ष ऐसे कई विवाद आते हैं, ऐसे कई झगड़े आते हैं जिसके संबंध में कानून में कोई व्याख्या नहीं है या कानून की पुस्तक में उसका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे बहुत से अवसर आएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या विधायिका द्वारा कानून बनाए जाने की प्रतीक्षा होगी या विभिन्न पहलुओं को लेकर ध्यान में रखकर मद्देनज़र न्यायाधीशों को अपने विवेक से कानून का अर्थ निकालना पड़ेगा? और वास्तव में होता ऐसा ही है कि इस तरह के विवादों में जिसका कानून का व्याख्या नहीं करता, उस तरह के विवादों में न्यायाधीशों को स्वतंत्रता है कि वे अपने विवेक से कानून का अर्थ निकालें और उसके अनुसार ही विवादों का निर्णय करें। ये कहलाता है कानूनों का निर्माण। ऐसे निर्णयों को हम क्या कहेंगे? न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून, जज मेड लॉज। दे आर जज मेड लॉज। इसका जज मेड लॉज जो हैं वे न्यायाधीशों के द्वारा बनाए गए कानूनों का बंश है। तीसरा कार्यक्षेत्र, अभियोगों का निर्णय करना। अभियोग क्या होते हैं? आरोप। न्यायपालिका का एक मुख्य काम है दीवानी और फौजदारी के अभियोगों का निर्णय करना। जितने भी अपराध होते हैं वे अपराध दो श्रेणियों में मूलतः आते हैं। एक होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। सारे अपराधों को मूलतः इन दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है कानूनी दृष्टि से। फौजदारी अर्थात और दीवानी अर्थात क्रिमिनल लॉज और सिविल क्रिमिनल, ये दो अलग अलग तरीके के अपराध हैं। न्यायपालिका का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि इन दोनों तरह के अपराधों में जो भी अभियोग हैं, आरोप हैं, उस पर निर्णय लेना। दीवानी से संबंधित जो भी आरोप हैं, जो भी दावे हैं, या तो उसे स्वीकार कर लेगी या अस्वीकार कर देगी। और इसी प्रकार फौजदारी से संबंधित अभियोग या तो दंड देती है या उन्हें मुक्त कर देती है। फौजदारी जो मामले हैं उसमें अभियोगों में अपराधियों को या तो दंड या मुक्त, दो में से एक। और दीवानी में दावे को या तो स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी। इस प्रकार ये दो तरीके के ही मामले सामान्यतया कोर्ट में आते हैं। तो अभियोगों का निर्णय करना उसका एक कार्य क्षेत्र है। चौथा, स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा। स्वतंत्रता की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये दो अलग अलग बिंदु हैं। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट पहुंचाई जा रही हो और उसके मौलिक अधिकारों का किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा अपहरण कर लिया जाता हो, ले लिया जाता हो, तो प्रभावित व्यक्ति कहाँ जाएगा? किसके पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करेगा कि मुझे बोलने की स्वतंत्रता नहीं है या मुझे लिखने की स्वतंत्रता नहीं है? मैं लेख लिख रहा हूँ तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, दुष्प्रभावित होकर मुझे जेल भेज रही है। मैंने एक सरकार के खिलाफ एक लेख लिखा या एक लेख लिखा जिसमें मैंने सरकार की आलोचना की है, खिलाफ नहीं कहूँगा, एक लेख लिखा जिसमें मैंने सरकार की आलोचना की। ये आलोचना सरकार के गले नहीं पड़ती और जो संबंधित मंत्री हो या संबंधित जो विभाग हो उसके लोग नाराज़ होकर लेखक को जेल में डाल देते हैं।
क्या यह न्यायोचित है? कितना गैर वाजिब या वाजिब है लेखक को जेल में डाल देना उस लेख के परिप्रेक्ष्य में? इसका निर्णय कौन करता है? सरकार नहीं करेगी। सरकार का अर्थ विधायिका नहीं करेगी या कार्यपालिका नहीं करेगी, न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका के पास ये बात यदि पहुंचती है तो न्यायपालिका अपने जरिए से पता लगाएगी कि यह लेख किस प्रवृत्ति का है, किस प्रकार का है, किस हद तक यह गलत है आदि आदि, और सुनिश्चित कराएगी कि संबंधित व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। इसको सुनिश्चित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका मैंने जिक्र किया है, और वह शक्तियां कहलाती हैं रिट्स। या तो व्यक्ति स्वयं, प्रभावित व्यक्ति स्वयं अपनी स्वतंत्रता के बचाव में, अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाए या उच्च न्यायालय जाए और वहाँ न्याय की मांग करे, और या न्यायालय की नज़र में यदि ऐसा कुछ गलत कार्य आता है तो वह स्वयं संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करे। दूसरे शब्दों में, यदि किसी को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है, उसका संरक्षण प्राप्त कर सकता है, और ऐसी दशा में उस व्यक्ति या राज्य के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके न्यायालय उचित संरक्षण प्रदान करता है पीड़ित व्यक्ति को। स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करना एक बहुत अहम कार्य क्षेत्र है न्यायालय का, न्यायपालिका का। पांचवा, संविधान की रक्षा करना। प्राय सभी देशों में हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय जो है उसका काम है संविधान की रक्षा करने का। ये जो काम दिया गया है संविधान को बचाए रखने का, वो सर्वोच्च न्यायालय को। संघात्मक प्रणाली की बात करें यदि, तो संघात्मक प्रणाली में जब व्यवस्थापिका किसी ऐसे कानून का निर्णय लेती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है, तो तीसरा अंग जो है वह सामने आता है। संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध किसी भी तरह के बनाए गए कानून पर लगाम लगाने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था है जो इन सब पर लगाम लगाती है। उच्चतम न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को या तो अवैध घोषित कर देती है और या उसके क्रियान्वयन पर ही प्रतिबंध लगा सकती है, और दोनों ही स्थिति में वह ऐसा करते हुए क्या सुनिश्चित करती है? संविधान की रक्षा। इसके अलावा संघीय सरकार और इकाई अर्थात राज्यों की सरकार, इनके बीच या राज्य सरकारों के बीच किसी तरह का विवाद हो तो संविधान की व्यवस्था के अनुसार निर्णय लेने का काम सुप्रीम कोर्ट का है या न्यायपालिका का है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार, संविधान में उस बारे में यदि कुछ कहा गया हो तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के पास ही यह अधिकार है कि वह दो राज्यों या केंद्र राज्यों के बीच के झगड़ों, विवाद को संविधान के दायरे में रहते हुए उसका हल निकाले। संविधान की रक्षा करने के बाद अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है
वह है घोषणात्मक निर्णय देना। घोषणात्मक निर्णय देने से क्या तात्पर्य है? बहुत से देशों में न्यायपालिका ऐसे निर्णय देती है, कभी कभी जाने अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानूनों का निर्माण कर डालती है जो स्पष्ट नहीं हो, या कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कानून के बिल्कुल विपरीत हों, पहले जो कानून बनाए गए उसके ठीक उल्टा जा रहे हों। ऐसे कानूनों के संबंध में न्यायपालिका को डिक्लेरेटरी जजमेंट देने की शक्ति प्राप्त है। इस डिक्लेरेटरी जजमेंट को कहते हैं घोषणात्मक निर्णय। बहुत स्पष्ट है क्या घोषणा करती है उसमें। जो नया कानून बनाया गया वह यदि पुराने किसी कानून के विपरीत जारी हो या अनजाने में उसकी शब्द रचना शब्दावली ऐसी हो गई जो अस्पष्ट हो, तब जाकर न्यायपालिका घोषणात्मक निर्णय लेती है, डिक्लेरेटरी जजमेंट देती है। कई राज्यों में तो ऐसी भी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति किसी अभियोग को प्रस्तुत किए बिना ही किसी विषय पर इस प्रकार के निर्णय या स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। किसी अभियोग को बिना प्रस्तुत किए किसी विषय पर निर्णय या स्पष्टीकरण पाने का अधिकार कई राज्यों में दिया गया है। जब वादी प्रतिवादी अर्थात दोनों पक्ष किसी विषय पर न्यायालय का मत जानना चाहते हो तो न्यायाधीश ये घोषणा कर सकते हैं। क्या कि कानून की दृष्टि में उचित क्या है और क्या नहीं। यद्यपि दोनों पक्ष ही कोर्ट में नहीं गए हों, लेकिन कोर्ट से जानकारी के रूप में ये कोर्ट का मत जानना चाहते हूँ, और ऐसे मत को हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेटरी घोषणात्मक निर्णय। भारत और इंग्लैंड में ऐसी व्यवस्था है। डिक्लेरेटरी जो व्यवस्था है वह भारत और इंग्लैंड में है। इसके द्वारा वादी और प्रतिवादी दोनों ही अभियोग संबंधी जो व्यर्थ का खर्च है, कोर्ट की कार्रवाई संबंधित जो खर्च है, उससे बच जाते हैं। समय की बचत अलग होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र न्यायपालिका का है, जहां व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए होने वाली दिक्कतों के परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्था की गई है कि समय और धन से बचा जा सके, इसका प्रावधान इसके तहत किया गया है। अब सातवां बिंदु है लेखों का प्रचलन करना। लेखों का जिक्र बार बार आ रहा है। मूल अधिकार के संबंध में भी आया था, उसके बाद अन्य अध्यायों में आया, और अभी इस अध्याय के पढ़ाते पढ़ाते ही बारंबार लेख की बात हो रही है, जिसे मैंने अंग्रेजी में कहा था रिट, WRIT। और पांच तरह के रिट्स का हमने अध्ययन किया हुआ है, इसकी महत्ता को भी समझा है। ये सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका द्वारा ऐसी शक्तियां हैं जिसके जरिए वह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और मूल अधिकार ये अक्षुण्य बने रहें। ये जो पांच तरीके के लेख हैं, इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, पुच्छालेख आदि आदि। तो लेखों का प्रचलन, लेखों का उपयोग करना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना कार्यक्षेत्र है, अपने उसके कार्यक्षेत्र में आता है,
इसके उपयोग की जब तब जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट इसका उपयोग करता है या न्यायपालिका इसका उपयोग करती है। आठवां जो कार्य है वह है परामर्श का। परामर्श के कार्यों में किस तरह के परामर्श और किसको, किसी भी कानून संबंधी विषय पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका उसे वो सलाह देता है, बशर्ते वो सलाह मांगी गई हो। किसी भी कानूनी विषय पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका द्वारा सलाह मांगे जाने पर उसे परामर्श देना। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल, इसकी जो न्यायिक समिति है, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति, उससे सरकार बार बार कानून संबंधी विषयों में परामर्श लेती है। कनाडा में भी गवर्नर जनरल को परामर्श देना वहाँ के उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र में आता है। भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने केरल शिक्षा विधेयक 1957 के संबंध में उच्चतम न्यायालय से कानूनी परामर्श लिया था। केरल शिक्षा विधेयक, एक विधेयक आया था जो 1957 का था, केरल राज्य से जुड़ा हुआ, और उसके मुद्दे को लेकर, उस विधेयक को लेकर कुछ विवाद था। तो केरल के राज्यपाल महोदय ने इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास परामर्श के लिए भेजा था। क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है राज्य में, इसलिए उनके द्वारा ये परामर्श मांगी गई थी, सुझाव मांगा गया था, और राष्ट्रपति ने इसे सीधा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा इस अनुरोध के साथ कि इस बिल को लेकर उपजी हुई आपत्तियों पर प्रकाश डालें, और परामर्श मांगा था। इस प्रकार इन देशों के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जहां पर ये भूमिका सुप्रीम कोर्ट निभाता है, जैसे स्वीडन, पनामा, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका परामर्श देने का काम करती है मांगे जाने पर। इन सब के अलावा उसके कुछ और भी काम हैं, न्यायपालिका के कुछ और भी काम हैं, उसको हम एक तरीके से जोड़ सकते हैं अन्य विविध कार्य।